प्याना कस्बे में कर्फ्यू को आज 6 दिन है, साथ ही साथ प्रशासन भी सचेत है। ऐसे में प्रशासन ने लोगों की खाद्य सामग्री के लिए ब्याना कस्बे में 304 पिकअप का बंदोबस्त कर आमजन तक सामग्री को पहुंचाया जा रहा है। लोग भी इस खाद्य सामग्री को खरीदते समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर अपने आवश्यकता अनुसार सामग्री ले रहे हैं, और साथ ही प्रशासन ने सामग्री की रेट लिस्ट भी निकाली है जिससे कि लोगों की जेब पर भार न पड़े और कालाबाजारी भी रुके। ब्याना से निखिल सक्सेना की रिपोर्ट। सुबह 8 बजे से और 12 बजे तक का हमारे लिए समय बुक किया है निर्धारण, और जो गवर्नमेंट ने जो हमारे प्रशासन ने जो रेट निर्धारित किए हैं उस आधार पर हम रेट ले रहे हैं। और हमारे पास में वार्ड नंबर 8, 9, 10 और 11 चार वार्डों की हमें सप्लाई देनी है। चीनी है, चाय है, ये जो राशन की अमूमन जो चीज है डेली वेज की वो हमारे पास उपलब्ध। प्याना कस्बे में कोरोना के चलते कर्फ्यू लगा हुआ है जिसके चलते बाजार में भी सन्नाटा पसरा है। लोग भी कर्फ्यू का पालन अच्छे से कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इस संकटकालीन स्थिति में प्याना कस्बे के वार्ड नंबर 14 की कार्यकर्ता पूनम सक्सेना अपनी ड्यूटी टाइम करके घर पर मास्क बना रही है। लगभग 300 मास्क बनाकर अब तक जरूरतमंदों तक बांटे जा चुके हैं और आगे भी बनाने की कवायद जारी है। प्याना से निखिल सक्सेना की रिपोर्ट। Oh.